मैं समीर सैयद और आप देख रहे हैं नजर इंडिया न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं चन्नीपाड़ा के पास स्थित बॉस्को स्कूल में, जहां पर आपको बता दें कि बॉस्को स्कूल से लग करके केजिन बिल्डिंग है, जहां बिल्डिंग के रहवासी किस तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो भी आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से गंदगी यहाँ पर जो है उभर उभर करके सामने दिखाई दे रही है। और इसी गंदगी की वजह से बॉस्को स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो आए दिन कहीं ना कहीं बीमार हो रहे हैं और अलग अलग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। आज इसी संदर्भ में जो बॉस्को स्कूल के चेयरमैन थे जनाब जमील इकबाल खान साहब, उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया और उनके बुलाने पर हम यहाँ पर आए हैं और हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। हम अपने वीडियो के जरिए हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं कि गटर का जो पाइप है वो फटा हुआ है और गंदगी बाहर निकल रही, लेकिन इसका बिल्डिंग वासियों के ऊपर कोई भी असर नहीं है। ऐसे में प्रशासन और महानगर पालिका क्या कर रही है, हमारी बात जो बॉस्को स्कूल के चेयरमैन है जनाब जमील इकबाल खान साहब उनसे भी हुई। उन्होंने ये कहा है कि हमने इसकी शिकायत महानगर पालिका में दी है, लेकिन महानगर पालिका जो है नामालूम क्यों आंख बंद करके बैठी हुई है और ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है। अगर बॉस्को स्कूल के किसी भी बच्चों को किसी बुरी बीमारी का शिकार होना अगर पड़ता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, केजिन बिल्डिंग के रहवासी जो कचरा फेंक करके गंदगी कर रहे हैं या महानगर पालिका जो कचरा देख के भी अनदेखा कर रही है। सर क्या नाम है आपके स्कूल का और क्या दिक्कत ऐसी हो गई कि आज ये पत्रकारों को बुलाना पड़ा? सर क्या करूं भाई, केजीएन बिल्डिंग बाजू में है, उनके जो रहने वाले लोग हैं टेनेंट लोग कचरे डालते हैं और ऑलरेडी सब गटर खुला हुआ गेट के सामने, पेरेंट्स कंप्लेंट पे कंप्लेंट कर रहे हैं बट दे आर नॉट रेडी टू लिसन एनीथिंग। और हमने म्यूनसिपैलिटी में भी दिया हुआ था एप्लीकेशन, उसकी कॉपी भी हम आपको दे देंगे, क्या करें। सर पता ये चला कि आप ये कचरा फेंकने से बच्चों को उसका असर हो रहा है, कुछ बच्चे बीमार हुए, क्या खुलासा करेंगे इस बारे में? प्राइमरी के बच्चों है, जब रिसेस का टाइम होता है तो बच्चे वहाँ ग्राउंड में खड़े रहते हैं और उन लोग ऊपर से कचरे डालते हैं। प्री प्राइमरी के बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो है बुखार वगैरह आता है तो काफ़ी तकलीफ हो रही है, इसलिए मैं आप लोग को बुलाया यहाँ। सर ये जो वायरल इन्फेक्शन जो हुआ है यहाँ पे बच्चों को ये गंदगी की वजह से, तो इसके ताल्लुक से आपने कुछ महानगर पालिका में लिखित रूप में शिकायत? मैंने कंप्लेंट डाला था एक बार, उनका सुपरवाइजर चेक करके भी गया पर अदरवाइज उसके बाद कुछ हुआ नहीं। तो क्या ये बिल्डिंग के लोग कचरा फेंकने से बाज नहीं आ रहे? बाज नहीं आ रहे, इनको काफ़ी समझाया गया, बल्कि हर फ्लोर पर जाके बोला गया, उसके बावजूद भी ये लोग ऐसे ही करते हैं। बिल्डिंग के कोई जिम्मेदार, ऐसा कोई सोसाइटी या किसी से आपने कोई संपर्क किया? तो यहाँ का बिल्डिंग का एक जिम्मेदार है, उसे बुला के दिखाया भी गया, वो बोला सर मैं करवाता हूँ ऐसा बोल के एक हफ्ता टाइम निकाल लेता है फिर शुरू हो जाता है सेम चीज़, अभी आप जाएंगे गेट पे तो मिला देंगे उसको। ठीक है सर, ओके। अच्छा बोलिए। देखिए यहाँ प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता, महापालिका ने जो भी काम दिया। आपका बच्चा पढ़ता है? हाँ पढ़ते हैं हमारे बच्चे, और यहाँ प्रशासन ने सारे काम कंट्रैक्ट में दिया है और कंट्रैक्ट वाले पूरी तरह काम नहीं करते जी। ये प्रशासन के ऊपर पूरी जवाबदारी है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे बड़े बच्चे पढ़ते हैं, बीमारी का घर नहीं है, कचरा ये सब जो भी यहाँ कर रहे हैं बिल्डिंग वाले जी, रहने वाले अपार्टमेंट के। तो सर से हमारी बात हुई, सर ने कहा कि हमने बात किया है और वो आज जो है कचरा साफ भी कर रहे हैं। ये कितने दिनों से कचरा यहाँ पर मतलब पड़ा? बहुत दिनों से कचरा है, बहुत दिनों से है, और ये सब प्रशासन की गलती है। ओके आपका क्या कहना है, आपके बच्चे पढ़ते हैं इसमें? कब से आप कचरा देख रहे हैं इसमें? सेफ साइड कुछ नहीं है, कचरा कहीं तो तेजाब कहीं तो कुछ भी, मतलब हमारे बच्चे हम लोग किस बेस पे भेजे, उन लोग की कोई सेफ्टी ही नहीं है, ना स्कूल से सेफ्टी हो रही ना बाहर से सेफ्टी हो रही, तो हम किसके बलबूते पे भेजेंगे? ये आप लोग देख सकते, देखिए कितनी गंदगी जी। उस दिन एसिड का डब्बा फेंका गया, अगर बच्चों को कुछ होता या पेरेंट्स को कुछ होता तो कौन जिम्मेदारी ले जाता, बिल्डिंग वाले लेते या स्कूल वाले लेते? और इतना कचरा रहता है, इतनी गंदगी गिरती है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे और किसको बोलेंगे? कोई तो साथ देता है नहीं, या आप सब पेरेंट्स है, पेरेंट्स लोग से पूछो, बोलो क्या कहना चाहेंगे आप? सेम एज यूजुअल, बिल्डिंग वाले कुछ मतलब देखते ही नहीं है कि किस तरह खान गंदगी फैली हुई है, बच्चों की हेल्थ के ऊपर इतना इश्यू होता है, आए दिन बच्चे बीमार पड़ते हैं ये सब गंदगी की वजह से, जो ऊपर से फेंकते हैं बच्चों के ऊपर, हमारे बच्चे बिल्कुल भी सेफ नहीं है, रिसेस में भी सेफ नहीं है, लोग ग्राउंड में खाते हैं तो ऊपर से पत्थर फेंका जाता है, कचरा फेंका जाता है, तो उसका क्या किया जाएगा आप बताइए ना,
ओके पानी फेंकते कचरा फेंकते तो इसका क्या उपाय है? या तो फिर ये बिल्डिंग पे स्टे लगा दीजिए, उस दिन एसिड की बोतल गिर गई थी, या तो इसको धोखा बैग में डालो या तो उसको स्टे लगाओ, वैसे भी वो एकदम खस्ता कंडीशन में है। पूरा गैलन चार माले थे, क्या फेंका गया था? पाँच लीटर का गैलन जो है। नाम है आपका? इरशाद। क्या करते हैं आप? बच्चों को लेने आया। बच्चों मतलब पेरेंट्स हैं आप? पेरेंट हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो बिल्डिंग है एक तो खस्ता हाल है, दूसरे यहाँ पर जो कचरा गिरा हुआ है, क्या कहेंगे आप? इससे पहले भी ना एक एसिड किसी ने फेंका था, बच्चा छोटा बच्चा था, छोटे बच्चा बच गया। वो अभी थोड़े दिन से ना यहाँ पे रोज गटर का पानी बह रहा है, कुछ ना कुछ होते रहते हैं, स्मेल आती रहेगी या पूरी गंदगी या फैली रहती है। बच्चे लोग हैं कि ना जरा भी एहतियात बरता नहीं जा रहा, कि बच्चे स्कूल के यहाँ छुटते ही जाते। तो यहाँ के लोगों को हम लोग एक बार बिल्डिंग पर भी चढ़े तो वहाँ के लोगों को भी बोले थे, पर वहाँ के लोग जरा भी सुनते नहीं, ऐसा सोचते ना कि यानी आपकी शिकायत है कि केजीएन मंजिल से कचरा फेंका जा रहा है, यहाँ साफ सफाई का इंतजाम नहीं किया जाता है। ज्यादातर लोग खड़े रहते हैं, घर का सामान कचरा यहीं खड़े रहते हैं। इतनी मरतबा कितने पैरों पे ऐसी चीज की भी है, कोई यानी कि चाय की पत्ती फेंक रहा है, कोई चीजन चट्टी ऊपर से फेंक रहा है, नॉर्मल कुछ ना कुछ रहता है, इंसान नॉर्मल खड़ा नहीं रहता। स्कूल के काफी बच्चे इस गंदगी की वजह से बीमार भी हुए, बहुत से बच्चे बीमार भी हो जाते हैं।